أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين تمام تعریف اس معبود برحق کے لیے جو ہمارا معبود ہے رب کائنات ہے करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक़े कायनात हैं। प्यारे बच्चों, आज 8 शव्वाल इन्हिदाम जन्नतुल बकी बमुकाम मदीना मुनव्वरा इब्ने सऊद के हुक्म से मुनहदिम कर दिया गया। 1425 हिजरी में मक्का मुकरमा में जन्नतुल मौला का कब्रिस्तान भी मुनहदिम कर दिया गया, जहाँ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा गिरामी जनाब आमना, आपकी ज़ौजा मोहतरमा बीबी खतीजतुल कुबरा और आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आपके चचा हज़रत अबू तालिब और दीगर मुमताज़ अफराद वहाँ पर मदफून हैं। अब ये खबरें थूप में रहें और इन पर कोई नामो निशान नहीं है। बच्चों, आप जानते हैं जन्नतुल बकी में हमारे चार आइम्मा मदफून हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और बरवायत खातून जन्नत बीबी फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खबर मुबारक भी वहीं मौजूद है। और जनाब अबुल फजल अब्बास की वालदा गिरामी बीबी उम्मुल बनीन, जनाब फातिमा बिनते असद और नबी के ख़ानदान के दीगर अफराद मदफून हैं। 8 शव्वाल को बच्चों हम यौम एहतिजाज मनाते हैं और मुतालबा करते हैं कि इन तमाम कबूर पर मज़ारात बनाए जाएं। बच्चों, आज हम मौला अली की बारगाह में पुरसा पेश करते हैं। प्यारे बच्चों, कुरान कहानी के इस प्रोग्राम में आज हमारा मौजू हज़रत अली इब्ने अबी तालिब है। बच्चों, आपको मालूम है इमाम अली हमारे पहले इमाम हैं। बच्चों, मौला अली ने पैगंबर के साए में परवरिश पाई। आप फरमाते हैं जिस तरह चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिलाती है, इसी तरह नबी ने मुझे इल्म सिखाया। बच्चों, मौला अली की विलादत खाने काबा में हुई। ये वो फजीलत है जो आज तक किसी और को नहीं मिली और ना कभी मिलेगी। मौला अली नफ़से पैगंबर हैं। बाद रसूल मौला अली ने इंतहाई सख्त वक्त गुजारा। 25 साल सब्र और खामोशी के साथ गुजारे, इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा पारा पारा ना हो जाए। इस ज़ाहरी खिलाफत में मौला अली ने जो तलवार उठाई वो मुखालिफीन के खिलाफ उठी। बच्चों, 1400 बरस गुजर गए। 40 हिजरी का रमज़ान अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए बड़ा सख्त था। कत्ल की साजिश तैयार हो चुकी थी। मौला बा इजाज़े इमामत ये सब जानते थे कि आप मालिक हकीकी की बारगाह में जाने वाले हैं। 19 रमज़ान को मौला अली जनाब उम्मे कुलसुम के घर अफ्तार के लिए तशरीफ़ ले गए। अफ्तार के वक्त बेटी ने दस्तरखान पर खाना रखा। मौला ने बीबी से कहकर दूध का प्याला हटा दिया और नमक और नान जौ से रोज़ा अफ्तार किया। रात इबादत में गुजारी। फजर के वक्त मस्जिद की तरफ रवाना हुए। अपने सोते हुए कातिल को उठाया। पहली रकत के दूसरे सजदे में इब्ने मुलजिम मलून ने सर पर जरबत लगाई।
सर शगाफ्ता हुआ। इसी वक्त मौला की जबान पर ये अल्फाज जारी हुए, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। आइए रसूल खुदा की बारगाह में बीबी जहरा और इमाम जमाना की बारगाह में पुरसा पेश करते हैं। सलाम के लिए तशरीफ लाते हैं सैयद अली रजा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जख्मी है मुसल्ले पर मौलाए कायनात, जख्मी है मुसल्ले पूछती हैं, बाबा हम
मरसिए के लिए मुल्तमीस हूँ मिर्जा रजा बेग मिर्जा अब्बास बेग। इमा की जा क्या है मोहब्बत अली की है, राहत जो कब्र की है वो उल्फत अली की है, साल बकाफ सबो सकावत अली की है, कातिल को दिया मावो मुराबाद अली की है, कातिल को दिया मावो मुराबाद अली की है, दिलो पेशवा दफ्तर कदर हमो बरहम हयानी, माए सिया माए मुहर्रम हयानी, माए सिया माए मुहर्रम हयानी, मौला की नजर को कोहरे सजदे में सर तेरा, सैयद तबाह हो गया कूफे में घर तेरा, सरवर आलम दिलों को है शामो सहर तेरा, आईनी दिनों में बेखबर थे खुशुओं खुशुओं में, तलवार जब लगी थी झुके थे रुकू में, तलवार जब लगी थी झुके थे रुकू में, लाया तज़हर में वो जफा जो बुझा के थे, लागरे जमीन पर सजदे में खाके ते गुल पर गया के सर पे लगी मुर्तजा के ते, खाए खुदा के शेर ने घर में खुदा के, खाई खुदा के शेर ने घर में खुदा के ते, गहरा जख्म पर के भागा जो इब्ने मुल्ज में मलून बसिए, पकड़ाओ से अली के मोहब्बों, पकड़ाओ से अली के मोहब्बों, लाए जो कातिल पर मुस्कुरा के नजर की, फरमाया मैंने कौन सी की थी तेरी कदा, पादाश ने कियो की यही है जहां में क्या क्या
राय मानता है बानी जफा रोया जो सर झुका के तो मौला रोया जो सर झुका के तो दर्द में भी सबके मरज की दवाया हम बांधो ना इसके आपके मुश्किल बांधो ना इसके आपके बांधो ना इसके आपके मुश्किल कुशायम। अब मैं अपनी बहुत ही मोहतरम और अजीज जाकरा अहले बैत मोहतरमा सैयदा बतूल रिजवी से मुल्तमिस हूँ, तशरीफ लाएं और मौला की बारगाह में अपनी तकरीर पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन معصومین المظلومین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون تمام تر حمد و ثنا اس رحیم و کریم پروردگار کے حضور جس نے ماہ مبارک رمضان سن 1444 ہجری میں ہمیں اور آپ کو अपना मेहमान किया। एहसान अजीम परवरदिगार तेरा कि तूने हमें लिखे हुए कुरान और बोलते कुरान दोनों का सहारा और ताकत अता फरमाई कि हम तेरी तरफ रुजू कर सकें। क्या शान है उस चल्ले जलालहू की कि जिस माह मुबारक में ये माह बरकत में कुरान की नुजूल की रातें हैं, इन्हीं तारीखों में अय्याम शहादत मौलाए कायनात हज़रत अली इबन अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी है। हम अपने वक्त के इमाम आखिरुज़्ज़मां अज़रल्लाहु फ़रजहु शरीफ की खिदमत में उनके जद्द अमजद मौलाए कायनात की शहादत का पुरसा पेश करते हैं। एहसान परवरदिगार तेरा के विलायत अली और आले अली हमें कुरान फहमी के बेहतरीन दर्जों तक पहुंचाती है और कुर्बत तेरी परवरदिगार अता फरमाती है। बारी लाहा कुरान और अली के सहारे हम सब को दीनो दुनिया की बेहतरीन कामयाबी अता फरमा। आज की इस गुफ्तगु के सरनामे कलाम में जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया वो आयत कामयाबी का ऐलान कर रही है। किसकी कामयाबी? मोमिनीन की कामयाबी, हमारी और आपकी कामयाबी का ऐलान। जो अपनी मजलिसों का ऐलान भी ये करते हैं कि मोमिनीन फला वक्त फला जगह, मोमिनात फला वक्त फला जगह मजलिस के लिए तशरीफ़ ले आइए, फिर जो सूरह मोमिनून हो वो चैप्टर कुरान में हमारा और आपका सूरा है 18वां पारा 23वीं सूरा जो 18th पारे की इब्तिदा ही में शुरू हो रही है और उसकी पहली आयत जिसमें अल्लाह बा जल्ले जलालहू ऐलान कर रहा है कि मोमिन कामयाब हो गए। और सरनामे कलाम इस आयत को इसलिए बनाया कि जिस मासूम की शहादत की मजलिस हम कर रहे हैं उन मासूम ने इस ज़मीन पर आने के बाद रसालत के हाथों में जहाँ से कुरान की तिलावत की वहाँ से इसी आयत की तिलावत को इख्तियार किया। वो जो अल्लाह के घर में पैदा हुए हो, जिनकी माँ एक नए दरवाजे से दाखिल हुई हो और 3 दिन के बाद जिनके ताले थे उनकी चाबियाँ उन तालों में ना लगें मगर उस खाने खुदा से उसी दीवार के रास्ते से वो मादरे अली शहजादे को हाथों में लिए हुए बरामद हो रही हो, रिसालत सवाल करे कैसा है मेरा भाई, तो बीबी कहती हैं ना आँख खोलते हैं ना मुँह से बोलते हैं, तो उस वक्त रिसालत के हाथों पर आने के बाद इमामत मुस्कुरा कर आंखें खोले और कहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अभी रिसालत का ऐलान नहीं हुआ
मगर क्या शान है उन आसमानी अनवार की मुलाकात की, कि जहां इस सलाम के जवाब में दहने रिसालत से निकले वालेकुम अस्सलाम या अमीर अल मोमिनीन। हम मोमिनीन के अमीर ने जब तिलावत कुरान की है पहली दफा इस फर्श जमीन पर, नबूवत के हाथों पर विलादत के अय्याम में, तो क्या पढ़ा? कुछ रवायात कहती हैं पूरा कुरान पढ़ा, और कुछ मुस्तनद तरीन किताबों ने कहा कि सूरह मोमिनून की अव्वल तरीन आयात की तिलावत की। यानी दुनिया में अगर कोई लीडर आता है तो पहले अपनी सक्सेस का ऐलान करता है, फिर जब कुछ कर लेता है तो अपने मानने वाले फॉलोअर्स की सक्सेस का ऐलान करता है। लेकिन क्या शान है अमीरुल मोमिनीन की, जो विलादत पे अगर कुरान पढ़े तो कह रहे हो कि मोमिन कामयाब हो गया। वो मोमिन जिसकी क्वालिटीज को कुरान ने लिखकर बयान किया और मौला अली ने अमलन पेश कर दिया कि कामयाबी के लिए ईमान वालों को करना क्या है। और अपनी कामयाबी का ऐलान हमारे और आपके अमीरुल मोमिनीन कब कर रहे हैं? उस मरहले शहादत पर, मेहराब इबादत में सजदे से उठते हुए सर पे वो सख्त तरीन कातिल की ज़रबत के जो जहर से आलूदा तलवार की थी, अपने चेहरे पे अपने लहू से सुर्खी पाने के बाद वो लिसानुल्लाह कहें फुज़अतो पे रब्बे काबा, काबे के पालने वाले की कसम मैं कामयाब हो गया। सलाम उस अली पर और अली के बेटे पर जो फतह शिकस्त के माने बदलते हैं, जो सक्सेस की कामयाबी की असल सूरत को ईमान वालों के सामने पेश करते हैं। अगर दुनियावी एतबार से हम देखते हैं तो टिप्स फॉर सक्सेस, की टू सक्सेस, सक्सेस स्टोरीज की बहुत बातें की जाती हैं, मगर ये कामयाबी है क्या? ये किस एतबार से पेश की जाती है? इसके मुख्तलिफ मदारिज हो सकते हैं। एक कामयाबी वो है जो कुरान से, साहिब कुरान से हासिल होती है, और अपनी आदत के मुताबिक जो भी आयत के बारे में बात करती हूँ उस सूरा की फजीलत इस यकीन के साथ पढ़ती हूँ कि हमें कुरान फहमी का और कुरान की तिलावत का और ज़्यादा फ़ायदा मालूम हो। यानी इस कुरान के 23वें सूरा को पढ़ने की अजमत और फजीलत बयान करते हुए खत्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मोमिन या मोमिना सूरह मोमिनून की तिलावत करते हैं तो अंबिया, सिद्दीकीन और सालहीन उस पढ़ने वाले पर दुरूद सलाम भेजते हैं और उसके लिए इस्तग़फार करते। इसी सूरह मोमिनून को पढ़ने की फजीलत बयान करते हुए खत्मी मर्तबत ने एक और मुकाम पे कहा, मैं इसे तफसीर नमूना से पढ़ रही हूँ, नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन या मोमिना बार बार पूरे यकीन से सूरह मोमिनून को पढ़ता है, उस पर अमल करता है, अपने ईमान को ताज़ा करता है, तो ऐसा मोमिन अपनी मौत के वक्त दीन और दुनिया दोनों का अमीर होता है। इरशाद फरमाते छठे इमाम हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि सूरह मोमिनून को जब हमारे मोमिन हर जुमे को तिलावत करते हैं, जुमे का दिन मोमिन की ईद होती है, जुमे का दिन इमाम ज़माना का दिन, वो ज़हूर फरमाएंगे इंशाअल्लाह और हम उनकी ज़्यारत से मुस्तफ़ीद होंगे, वो दुनिया को हक से भर देंगे यकीनन, तो इस जुमे के दिन मोमिन के दिन सूरह मोमिनून की तिलावत करने वाला जब मरेगा तो लावारिसी और लादीनी की मौत नहीं मरेगा, हमारे असल वारिस हमें कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। इसी सूरह मोमिनून की अजमत और फजीलत बयान की गई किताब का नाम है दुनिया व आखिरत के 100 मसाइल का हल, कि अगर कोई नमाज में रग़बत महसूस नहीं करता, अल्लाह की तरफ रुजू करने पर राजी नहीं होता, ऐसा शख्स खुद अपने लिए या कोई उसका चाहने वाला जो खुद नमाज का पाबंद हो, 7 टाइम्स कुरान के इस 23rd सूरा
सूरह मोमिनून की तिलावत करे तो उस बेनमाजी को नमाज में रग़बत और लज्जत महसूस होने लगेगी। सुबहान अल्लाह, क्या शान है इस लिखे कुरान और बोलते कुरान की, जो हमें अल्लाह की तरफ, ईमान की तरफ, कामयाबी की तरफ, हिदायत की तरफ, निजात की तरफ ले जाते हैं। इसी कुरान में इसी फलाह को कहीं कद अफलाहा मन तज़क्का की सूरत में बयान किया गया है, कहीं कहा गया है कि ए ईमान वालो तक्वा को इख्तियार करो, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो और नेकी किया करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। हम जो अपनी अजानों में भी हय्यालुल फलाह की आवाज़ बुलंद करते हैं, फलाह, कामयाबी, निजात, बख्शिश, जिसका ऐलान मक्के की गलियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कहो कि कोई अल्लाह नहीं सवाए अल्लाह के, कोई इबादत के लायक नहीं सवाए अल्लाह के, तुम फलाह पा जाओगे। यानी कामयाबी की इब्तिदा तौहीद से है, झूठे खुदाओं का इनकार है तो वो अली जो बाबुल इल्म हो, जो करम अल्लाह वजहू हो कि जिसका सर सवाए अल्लाह के उस जमाने में भी किसी के आगे ना झुका हो, बच्चों में सबसे पहले कलमा हक को पढ़ने वाले मौला अली, रसूल के पीछे नमाज पढ़ने वाले मौला अली। इसी माह रमज़ान में कुरान भी नाजिल है और इमाम की शहादत भी है, वो कामयाबी जो तमाम जिंदगी में मौलाए कायनात को मिलती रहे, किसी और को नहीं मिलती। इब्तिदा से देख लें, रसूल अगर पैदा होते ही कुरान की तिलावत नहीं कर रहे तो इसलिए कि कोई कुरान समझने वाला उनके आसपास न था, मगर क्या शान और कामयाबी है अल्लाह के घर में पैदा होने वाले अली की, जो अल्लाह का कलाम अल्लाह के नबी को सुना रहे हों, उनका लवाब दहन चूस रहे हों, उनसे तरबियत पा रहे हों, उनके जरिए दीन को सीख रहे हो, कितने कामयाब है वो अली कि जो दावत जुलशीरा में भी रसूल के वसी वजीर और जानशीन कहलाएं, जो बिस्तरे रिसालत पे सोएं तो रब नफ्स खरीद कर जन्नत अता कर दे। क्या मर्तबा है उस अली के फजाइल और मरातिब का कि जो बद्र में बेहतरीन फतह के हिस्सेदार हों, जो उहद में ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार के मिस्ताक बन जाएं, जो जिनकी एक जरबत इबादत सकलैन में से अफजल हो जाए, जंगे खंदक में कुल्ले ईमान बनकर कुल्ले कुफर के मुकाबले पर जाते हुए, कितने कामयाब हैं वो अली जो अगर मैदान जंग से दूर हो तो 39 रोज तक लश्कर कहे सरदार पहले भागा, सरदार कहे लश्कर पहले भागा, और फिर अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हो कल मैं उसको अलम दूंगा, जो मर्द होगा कर्रारे गैरे फर्रार होगा, अल्लाह और उसके रसूल का दोस्त होगा, अल्लाह और उसके रसूल उसके दोस्त होंगे, दोनों हाथों पे फताह लेकर आएगा। यानी जिसके आने से पहले, अलम दिए जाने से पहले फातेह करार दे रहे हैं खुद रसूल अल्लाह, क्या कामयाबी है उस अली की जो दो उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ ले, जो मरहबो अंतर को पछाड़ दे, जो पत्थर में अलम दीन का गाड़ दे, जो एक हाथ पे मरहब का सर एक हाथ पे खैबर का दर दोनों हाथों पे फतह लेकर आए, जो पूरे मदीने को अमीर कर दे। लेकिन वही कामयाब तरीन अली जब अपने घर तशरीफ ले जा रहे हो तो सवाए खो भरी जुल्फकार के कोई माले गनीमत साथ लेकर नहीं जाते, और कितने कामयाब है वो अली कि जिनके घर में मौजूद खातून जन्नत शुक्र का सजदा कर रही हैं कि जो माले दुनिया था वो दुनिया में रह गया, और जो अल्लाह को पसंद है वो जिहाद, वो हक को हिदायत करने वाला अली घर तशरीफ ले आए। परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम उस हस्तिये अजीम के वसीले से हक को, सच को,
कामयाबी को, हिदायत को पहचान सकें कि जो अगर मैदान जंग में बेहतरीन तलवार चलाते हैं तो मिंबर पर सलूनी के मिस्ताक बन जाते हैं। पूछो मुझसे पूछो, जमीन वालों को जमीन से बताऊंगा, आसमान वालों को आसमान से बताऊंगा, हर किताब वालों को उनकी किताब से बताऊंगा और बेहतरीन बताऊंगा। यानी कोई अगर तलवार चलाने का माहिर होता है तो वो इल्म में बेहतरीन नहीं होता, कोई अगर खुतबे बेहतरीन दे सकता है तो वो कुर्बानियों में लोगों की मदद और ईसार में बेहतरीन नहीं होता। क्या शान है उस अली की जो इबादत में भी बेहतरीन है, खिताबत में भी बेहतरीन है, शुजाअत में भी बेहतरीन है, मगर कहीं अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं कर रहे। कहाँ जाकर ऐलान करते हैं? मुकामे शहादत पर, मेहराबे इबादत में। मेहराब का लफ्ज हर्ब से निकला है, अरबी लुगत के एतबार से हर्ब जंग को कहते हैं। मेहराबे इबादत नमाज की जगह जंग की जगह कैसे बन गई? क्योंकि मौलाए कायनात ही इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खुशू व खुशू से खड़े होते हो तो तुम शैतान से जंग कर रहे होते हो, और जितनी अच्छी तरह तुम कयाम और रुकू और कूद और सजदे को इख्तियार करते हो उतना ही ज्यादा तुम शैतान की नाक रगड़ देते हो। और मेरी और आपकी नमाजें कैसी हैं? अव्वल वक्त में अगर पढ़ने की कोशिश भी करें तो नमाजों के दौरान दुनिया की बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। अमीरुल मोमिनीन जिस कामयाबी का ऐलान कर रहे हैं वो खुशू की नमाज से मिलता है, जहाँ कल्ब से हम अल्लाह से कनेक्ट हो सकते हो। कामयाबी उस अल्लाह की इबादत में है कि जिसे मौला अली पुकार कर कहते हो कि तू बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ, मुझे वैसा बना दे जैसा तू मुझे चाहता है। यानी जब अल्लाह से कनेक्ट हो जाए तो वो तीर जो पैर में बेबस्त हो जाए और इतना दर्द हो कि कोई जर्राह निकाल ना सकता हो, तो बीबी इरशाद फरमाती हैं कि जब मौला अली नमाज पढ़ रहे हों अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, अल्लाह से कनेक्ट हो जाएं, उस वक्त इनके पैर से ये तीर निकाल लेना। और मुस्तनद रिवायतों में मौजूद है कि जब वो अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं, मौलाए कायनात ही ने इरशाद फरमाया है ना कि जब मैं अल्लाह से बातें करना चाहता हूँ तो नमाज पढ़ना चाहता हूँ, और जब अल्लाह की बातें सुनना चाहता हूँ तो कुरान पढ़ता हूँ। परवरदिगार हमें नमाज और कुरान का लुत्फ और सलीका अता करते हक अली के सदक़े में। तो वही मौलाए कायनात हालत नमाज में, हर्ब की कैफियत में है, मेहराबे इबादत में है। और क्या शान उस मौला की नमाज की कि जिसमें अपने कातिल को जो जहर बुझी तलवार अपने नीचे रखकर ओंधा पड़ा सो रहा था, मौला उसको नींद से जगाते हैं, नमाज की दावत देते हैं और खुद आकर खुजू व खुशू से इबादत परवरदिगार को इख्तियार करते हैं। और बेहतरीन क़याम व क़ुऊद के साथ वो सजदे से उठता हुआ सर, सजदा मोमिन की मेराज है। और मासूमीन कहते हैं जब कोई मोमिन इस फर्शे ज़मीं पर पूरे खुजू व खुशू से खुदा के दरबार में सजदा करता है तो वो शैतान से जंग में उसे हरा देता है। वही सजदे से उठता हुआ सर, गिरती हुई तलवार, यानी फिजिकली प्रैक्टिकली मेहराबे इबादत में शहादत पाने वाले अली शैतान को हरा रहे हैं, खुदा की तरफ कामयाबी के साथ जा रहे हैं। और उस वक्त का सिनेरियो, उस वक्त के हालात ऐसे थे कि उस जमाने के एक्सट्रीमिज्म वाले लोग यानी इंतहा पसंद लोगों में कुछ नुसैरी थे जो मौला अली को खुदा कहते थे, कुछ शामी थे जो सख्त तरीन नफरत करते थे मौलाए कायनात से, जिनके मिंबरों से मौला अली को नाउज़ु बिल्लाह डाकू और दुनियादार कहा जाता था। क्या शान है मेरे इमाम की उस शहादत की कामयाबी की कि जब खबर पहुंची कि अली सजदे में शहीद कर दिए गए तो वो जो खुदा मान रहे थे वो आपस में पूछने लगे हमारा खुदा किस खुदा का सजदा कर रहा था।
और वो जो अली को डाकू कहते थे कि अली डाकू नाउज़ुबिल्लाह, वो मस्जिद में क्या कर रहे थे? क्या अली नमाज भी पढ़ते थे? क्या अली खुदा से भी डरते थे? क्या शान उस मजलूम इमाम की जो रोजे और नमाज की हालत में रब की तरफ रुजू करते हुए कितने यतीमों का पेट पालने वाला और घुटने से तोड़कर जौ की सूखी रोटी तोड़ने वाला, जिसके बेटे का दस्तरखान हर भूखे का पेट भर रहा हो और जहां बैठा हुआ मुसाफिर थोड़ा खाना रखता जाए और दूसरे इमाम सवाल करें कि ये किसके लिए जमा कर रहे हो, कहा वो मस्जिद में जो बूढ़ा बैठा हुआ सूखी रोटी घुटने से तोड़ रहा था उसके लिए ले जाना चाहता हूँ। इमाम सब्ज कबा इरशाद फरमाते हैं, ये दस्तरखान भी उनका, मैं भी उनका, मगर वो अमीरुल मोमिनीन है, वो हर ईमान वाले की बेहतरीन मदद करते हैं और बेहतरीन फिक्र करते हैं। कामयाब है हमारा वो इमाम फुज़अतो बिरब्बे काबा की मंजिल पर, लेकिन क्या उनके यौम शहादत के इस जिक्र में फकत उनके फजाइल हमारी कामयाबी हैं, या हमें अपनी मयारे जिंदगी को उतना बुलंद करना है कि कद अफलहल मोमिनून में जो फलाह पाने वाले मोमिनों का गिरोह है उसमें हम और आप शामिल हो सकें। ज़रूरत यह है कि हम कामयाबी के पैमानों को दुनिया के मयारात से निकाल कर नहजुल बलागा के उस लेवल पर लाएं जहां इमाम कहते हैं मेरा मोमिन अपनी खुशू वाली इबादत से पहचाना जाता है, मेरा मोमिन केयर और शेयर के वैल्यूज़ में रहता है, मेरा मोमिन इबादत के लुत्फ को महसूस करता है और बंदों की मदद बंदगी खुदा में करता है। सबकी सुनी हुई रवायत होगी मालिक अश्तर कौन है? लश्करे मौलाए कायनात के सिपहसालार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जमाना कौन सा है? जब मौला की जाहिरी खिलाफत है इस दुनिया में। कूफे के एक बाजार से एक जंग जीतने के बाद वापस आए हुए मालिक अश्तर गुजर रहे हैं, सामने से एक शामी मुसाफिर आता है, उसको किसी ने बताया ये जा रहा है अली का शिया, और वो जो शाम से सुनकर आए थे उसके मुताबिक वो शामी आगे आया, और आगे आने के बाद क्या करता है, मालिक अश्तर के घोड़े को रोककर बीच बाजार में आवाज़ें बुलंद उनके लिए बुरे करमात, उनको गालियां देना शुरू करता है, और सिर्फ मालिक अश्तर को नहीं मालिक अश्तर के मौला अली को भी गालियां देता है। एक लम्हे के लिए इस वाक़े को पॉज करूं, आपसे पूछूं, अगर बीच मार्केट में बाजार में कोई आपकी इंसल्ट करे, आपके इमाम की इंसल्ट करे, हम कैसे रिएक्ट करेंगे? मुझ जैसे दुनियादार और बहुत तेजी से गुस्से में आ जाने वाले, ओवर रिएक्ट करने वाले आम से इंसान का अल्टीमेट रिएक्शन ये होगा कि वो फौरन उसी टोन में उसी को जवाब देने लगेगा। लेकिन कुर्बान जाऊं अमीरुल मोमिनीन के कामयाब मोमिन के उस अमले साले पर कि गालियां देने वाला अपनी सारी बातें कहते कहते थक गया, तो उसके बाद मालिक अश्तर ने अपने घोड़े को टर्न किया, स्ट्रेट सामने जा रहे थे, दाएं सिमत मुड़े और उस तरफ चले गए। जैसे ही वो बगैर जवाब दिए वहां से चले गए, एक शख्स बाजार का तेजी से आगे बढ़ा और बढ़कर कहता है तुझे मालूम है तुमने किसके साथ बदतमीजी की है? कहा कौन था? अली का शिया था ना, तो मैंने उसको उसकी औकात याद दिला दी। कहा नहीं, ये अली के लश्कर के सिपे सालार और इस वक्त इस जमीन के शुजा तरीन बहादुर तरीन ताकतवर तरीन शख्स मालिक अश्तर हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब ये घबराया कि अगर ये अपनी आर्मी को ले आए तो मेरी तो ऐसी की तैसी कर देंगे। तेजी से दौड़ता हुआ उनके पीछे गया तो क्या देखा, वो मस्जिद में दाखिल होकर वजू करके नमाज शुरू कर चुकी है, ये साइड में खड़ा हो गया। जैसे ही उन्होंने नमाज मुकम्मल करके दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, ये जल्दी से उनके पैरों में बैठ गया और कहता है सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपके साथ बदतमीजी कर दी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके मौला अली और आप अब आपके इलाके में हूँ, आपकी खिलाफत के ज़माने में हूँ, मेरे साथ बदला नहीं लीजिएगा, आपको आपके अली की कसम मुझे माफ़ कर दीजिए।
अब जो इसने ये कसम दी मौला की, इन्होंने दुआ को मुकम्मल करके इस शख्स की तरफ मुड़कर कहा, मेरे भाई इस वक्त किसी नमाज का टाइम नहीं था, सुबह का 10-11 बजे का वक्त होगा, यानी किसी वाजिब नमाज का टाइम नहीं है इस वक्त। तो कहते हैं मालिक अश्तर, ए मेरे भाई इस वक्त किसी नमाज का टाइम नहीं था, मुझे अपने किसी ज़रूरी काम से जाना था, लेकिन मेरे मौला ने मुझे सिखाया है कि अगर कोई अपने ज़र्फ के मुताबिक तुम्हारे साथ एक्शन करे, तुम अपने ज़र्फ के मुताबिक उस पर रिएक्ट करो, उसका बदला दो। तुम अपने ज़र्फ के मुताबिक मुझे गालियाँ दे रहे थे और मैं अपने इमाम के सिखाए हुए तरीके के मुताबिक अपना काम छोड़कर मस्जिद में आ गया, नमाज़े हाजत पढ़ी और दुआ कर रहा था कि तूने मेरे लिए जो कुछ कहा, अगर मुझ में वो ऐब हैं तो अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए, और अगर तूने मेरे बारे में गलत कहा तो परवरदिगार तुझ पर रहम करे, और देखो अल्लाह तुझ पर मेहरबान हो गया और मेरी दुआ कबूल हो गई। वो हैरत से कहता है, क्या मौला अली इतने अच्छे हैं कि वो गालियों के जवाब में भी नमाज हाजत और दुआ करने का दर्स देते हैं? मैं कहाँ दुनिया में पढ़ा हुआ हूँ, मैं क्यों ऐसे इमाम के पास आकर इस इंसानियत के दीन को, इस हकानियत के दीन को, इस हक और सच के दीन को सीखता नहीं हूँ। उसने मालिक अश्तर के साथ जाकर मौला अली के पास दीन को कबूल किया। परवरदिगार अमीरुल मोमिनीन के इस तस्करे में, इस फर्श पर हम सबको उन कामयाब मोमिनीन में करार दे दे जिसका जिक्र मौला अपनी विलादत के वक्त कर रहे हैं। तिलावत कुरान करिए, हमें वो सारी क्वालिटीज़ मिलेंगी जो हमें अपनी ज़ात में प्रैक्टिकली अमली तौर पर दाखिल करनी है कि हम मौला के शिया बन सकें। अगर अपनी बात को मुकम्मल करूं, मौला के यौम शहादत पर पुरसा पेश करते हुए, या इमाम ज़माना हमें आमाले सालेहा की वो तौफीक अता कर दीजिए कि आप हमसे राजी व खुशनूद हो जाएं। वो मौला अली के जिनके पास फरिश्ते अम्र लेकर नाजिल होते थे उस पहली शबे कद्र की रात में, तमाम रात शबे शहादत बेचैन है, कभी इबादत करते हैं, कभी सहने खाना में आते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, हाँ यही रात है, हाँ इस अब्दे जलील को उस रब्बे जलील के दरबार में जाना है। हमें उस परवरदिगार का होना महसूस करना है। मौला कायनात कहते हैं, अगर तुम नमाज में ये नहीं महसूस कर सकते कि अल्लाह को देख रहे हो, इतना तो महसूस करो कि वो तुम्हें देख रहा है। उसी रब के दरबार में जाने के लिए वो फातह बद्र ओहद तमाम रात बेचैन हैं, और वो नमक और जौ का इफ्तार करने वाला उस आखिरी सहरी के बाद जब घर से निकल रहे हैं, और अगर मुर्गाबियां दामन थाम रही हैं तो बेटी से कहते हैं जानवरों का ख्याल रखना वरना राह खुदा में आज़ाद कर दे। हाय वो अली जो बेहतरीन अजान दे और आखिरी अजान जो बाप की बेटी सुने तो तड़प कर कहे, आज न जाने इस अजान में ऐसी क्या बात है कि दिल पर आंसू गिर रहे हैं। अभी लोग नमाजी जमा हो रहे हैं, इमाम अपनी इब्तदाइया नमाजों में हैं, वो जालिम का शहादत का जुल्म कर देना इमाम की तरफ, वो उठते हुए सर पे गिरती हुई तलवार, वो सर का शिगाफ्ता होना, वो कूफे में सदा बुलंद होना, कद कत्ल अल अमीर अल मोमिनीन, कद ज़िबह अल अमीर अल मोमिनीन, और इमाम खाके जमी जख्म में डालते हुए फुज़अतो बिरब्बे काबा, सलाम उस अली पर के जिनके बेटे मस्जिद में दौड़ते हुए पहुंचे तो अपने इलाज से पहले इशारा कर रहे हो, हसन पहले नमाज मुकम्मल कराओ, सलाम अली के उस बड़े बेटे पर जो बाप को खून में गलता देखे मगर इमामत नमाज दुरुस्त तरीके से कर रहे हो। हाय
आए वो अली जो इतने जख्मी और जहर के असर में हो कि गलीम में डालकर लाए जा रहे हो, मगर घर के करीब इशारे से रुककर रुकवा कर कहते हैं, हसन दोस्तों से कहो वापस चले जाएं, बेटियों की आवाज उनके कान में ना आए, मुझे गलीम से उतारो, मेरे पैरों पे खड़ा कर दो, मेरी ज़ैनब मुझे गलीम में देखकर परेशान ना हो जाए। या अली, इस ज़ैनब का इतना ख्याल जो चंद कदम के फासले से हुसैन को ज़िबा होते हुए देखेंगी। खुदा न करे किसी बेटी पे ऐसा वक्त आए, हाय वो ज़ैनब जिसने माँ का सफेद सर और झुकी हुई कमर देखी थी, वो बाप के चेहरे का लहू धो रही हो। बीबी ज़ैनबो कुलसूम, उसी यतीमी और गुर्बत का पुरसा, उस मजलूमियत का पुरसा, जब गशी से आंख खोलने वाले बाबा कहें तबर्रुकात का संदूक लाओ और अलम को तैयार कर दो साए में, अब्बास के हाथों वाले अलम के ज़ैनब आ जाए, अब्बास मेरी ज़ैनब का पर्दा तेरे हवाले। ज़ैनब यतीमी का पुरसा कबूल फरमाइए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारेलाहा वसीला शहादत मौलाए कायनात का हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील हो, वो हमसे राजी और खुशनूद हो, इस मजलिस का एहतमाम करने वाले और कुल मोमिनीन और मोमिनात की तमाम जायज हाजतों को कबूल फरमा। यकीनन अगर सजदे में जान देने से बड़ी कोई कामयाबी होती तो अली और हुसैन राह खुदा में वो पेश कर देते। बारे लाहा इन कामयाब तरीन हस्तियों के सदक़े में हमें दीन और दुनिया की कामयाबी ईमान की मौत नसीब फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम। नौहे के लिए मुल्तमिसूं सैयद सज्जाद रजा। दो बार नमाज शहीद हुए, एक मस्जिद में एक मक्तल में, दो बार नमाज शहीद हुए, एक मस्जिद में एक मक्तल में, दो बार बहा है खून अली, दो बार बहा है खून अली, एक मस्जिद में एक मक्तल में, दो बार नमाज शहीद हुए, एक मस्जिद में एक मक्तल में, दो बार नमाज शहीद हुए, एक मस्जिद में एक मक्तल में, दो बार नमाज शहीद हुए, एक प्यासा था एक रोजे से एक शोहर था, एक बेटा था एक शोहर था, एक बेटा था, जहरा पे कयामत टूट गई, जहरा पे कयामत टूट गई, एक मस्जिद में एक मक्तल में, दो बार नमाज शहीद हुए, एक मस्जिद में एक मक्तल में, दो बार नमाज शहीद हुए, एक बिंत अली का बाबा था एक बाप के जैसा भाई था, एक बाप के जैसा भाई था, दो बार यतीम हुई बीबी, दो बार यतीम हुई बीबी, एक मस्जिद में एक मक्तल में, दो बार नमाज शहीद हुई, एक मस्जिद में एक मक्तल में, दो नमाज शहीद हुए, एक बार अली को छुड़वाने, एक बार हुसैन के सिरहाने,
एक बार हुसैन के सरहाने रोती हुई आई बिनत नबी रोती हुई आई बिनत नबी एक मस्जिद में एक मक्तल में दो बार नमाज शहीद हुए एक मस्जिद में एक मक्तल में दो नमाज शहीद एक बाप को घर में लाते हुए एक जीस जमीन पर आते हुए एक जीस जमीन पर आते हुए सरवर्ण सदा बास को दी सरवर्ण सदा बास को दी एक मस्जिद में एक मक्तल में दो बार नमाज शहीद हुए एक मस्जिद में एक मक्तल में दो नमाज शहीद एक बार अली की मैयत पर एक शिमर लईन की जरूरत पर एक शिमर लईन की जरूरत पर गश खाक गिरे दो बार नबी गश खाक गिरे दो बार नबी एक मस्जिद में एक मक्तल में दो बार नमाज शहीद हुई मस्जिद में एक मक्तल में दो नमाज शहीद हुई एक मस्जिद उम्मी के अंदर बार हुसैन के लाश पर एक बार हुसैन के लाश पर बेपर्दा गई है बिनत अली बेपर्दा गई है बिनत अली एक मस्जिद में एक मक्तल में दो बार नमाज शहीद हुई एक मस्जिद में एक मक्तल में दो बार नमाज शहीद हुई एक मस्जिद में एक मक्तल में दो बार बहा है खून अली दो बार बहा है खून अली एक मस्जिद में एक मक्तल में छोटता है मौला
अब मैं दावत देती हूँ रिजाइना की यूथ की अंजुमन। अंजुमने बनी हाशिम से तशरीफ लाए और मौला की बारगाह में पुरसादारी पेश करें। है जनाजा है दरे करार का, है जनाजा है दरे करार का, है जनाजा है दरे करार का, है जनाजा है दरे करार का। मोमिनों दो मिल के कांदा, मोमिनों दो मिल के कांदा, है जनाजा है दरे करार का, सितम कैसा हुआ। नौहा ये जिब्रील का था, नौहा ये जिब्रील का था, है जनाजा है दरे करार का, है जनाजा है दरे करार का। रोक लो भैया जनाजा मेरे बाबा सलामत तेरा पर्दा, है सलामत तेरा पर्दा, है जनाजा है दरे करार का, है जनाजा है दरे करार का। ईद है नजदीक और घर में कयामत हो गई, है सफे मातम बिछी, है सफे मातम बिछी, कह रही है रो के जारा, कह रही है रो के जारा, है जनाजा है दरे करार का, है जनाजा है दरे करार का। कौन कूफे के यतीमों का रखेगा से सारे निदान, हम से सारे निदान, शोर है बाबुर बता का, शोर है बाबुर बता का, है जनाजा है दरे करार का, है जनाजा है दरे करार का। बाप के कदमों पे सर कर हरम की आस ने ये कहा बस ने, ये कहा बस ने, अलविदा गाजी के बाबा, अलविदा गाजी के बाबा, है जनाजा है दरे करार का, है जनाजा है दरे करार। प्यारे बच्चों, मैं आप सबकी तहे दिल से मशकूर हूँ और अपनी जाकरा सैयदा बतूल रिजवी की मशकूर हूँ
कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे टीवी के लिए टाइम निकाला। मैं अपनी जानिब से और हैदर टीवी की जानिब से मौला की बारगाह में पुरसा पेश करती हूँ। मौला हम सब की तौफीकात में इजाफा करें, कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन। आमीन या रब्बुल आलमीन। Oh.